डेफिनेटली फ्रैंकी आपको चार्ज करते हुए दिखाई देंगे। वाइपर की बात करें ऊपर की साइड पे इस वक्त ग्रेनेड कुक करते हुए दिखाई देंगे, बट वीरू की बात करी जाए अभी भी ऊपर चढ़ के बैठे हुए सामने आ रहे हैं फ्रैंकी, वो यहाँ पे जा चुके हैं। अच्छा ग्रेनेड वो वाइपर का, दोनों प्लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे दे जरूर चुका है, बट वीरू की बात करी जाए उनकी बीएचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। फ्रैंकी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, वीरू अपने आपको हील जरूर कर, बट पाफ किलो इसी के साथ खत्म होकर मिलता है। हाइड्रो की जो स्पॉट थी वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बट इसी के साथ मैक्स का डाउन किए जाएंगे वाइपर के द्वारा। एक अच्छा एंगल उनके पास था जरूर, उसी के साथ साथ उन्होंने मॉली भी वहां पे थ्रो करी है। फ्रैंकी की बात करें मुश्किलें उनके लिए यहां पे ज्यादा होती है, एक ग्रेनेड वहां पे जाता है वीरू के द्वारा, फ्रैंकी डाउन किए गए, मैक्स काश वहां पे रिवाइव कर देगा, बट साविदार इस वक्त काफी ज्यादा कम एचपी पे मौजूद रहेंगे। बट सामने के साइड से एक और ग्रेनेड आता हुआ, सोल की स्क्वाड पूरी तरीके से चार्ज करते हुए साविदार आगे निकलेंगे, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया, दैट डाउन इसी के साथ डाउन हो गया वीरू, आखिरी प्लेयर यहां पे सरवाइव करते हुए। ये अचानक से कैसे सीन जो था एंग की वो चेंज हो गया, क्योंकि वीरू आखिरी प्लेयर बच गए अपनी टीम से। साविदार किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करा M249 का, वीरू यहाँ पे बचे हुए, क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे पूरी टीम फॉरएवर। वीरू जो है वो नीचे की तरफ जरूर आएंगे, सविता को डाउन करेंगे, और अब एक 1v1 में कन्वर्ट हो चुके हैं फाइट, इट्स ओवेस वर्सेस वीरू, लेट्स सी यहाँ पर क्या होने वाला है। ओवेस जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको इंटेल मिल चुका है कि काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी इंफ्लेक्ट किया जा चुका है, यहाँ पर डाउन हो जाएंगे टीम सोल इज राइजिंग, एंड यहाँ पर जो स्क्वाड वाइप है वो हमें देख